हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आज मैं आपको टेकोमीटर के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर स्पीडोमीटर के लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो है टेकोमीटर। इसका मतलब क्या है, यूज़ क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं टेकोमीटर पर 1, 2, 3, 4 ऐसे डिजिट्स लिखे हुए हैं और साथ में ही मल्टीप्लाई बाय 1000 RPM लिखा हुआ है। दोस्तों, ये RPM क्या होता है? RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये रिवॉल्यूशन कौन सी चीज़ के हैं दोस्तों? कार के इंजन में जो पिस्टन होता है उसके नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है। वही जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसका एक मिनट में कितनी बार रोटेशन हो रहा है वो ये टेकोमीटर बताता है। जैसे कि टेकोमीटर की रीडिंग अभी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 × 1000 मतलब कि 1 मिनट में अभी क्रैंकशाफ्ट 1000 बार रोटेट हो रहा है। अभी ये टेकोमीटर क्या बताता है वो तो हमने जान लिया। अभी इसका यूज़ क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो जानेंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी अभी आइडियल कंडीशन में है, फिर भी इसका कुछ रीडिंग है। ये करीब करीब 800 RPM दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी अगर न्यूट्रल में भी है और हम स्टार्ट करते हैं तो भी क्रैंकशाफ्ट 800 RPM तक रोटेट होता रहता है। दोस्तों, मेरी गाड़ी में डीजल इंजन है, इसकी वजह से 800 RPM है। अगर पेट्रोल इंजन होता है तो उसमें 1000 से लेकर 1200 तक RPM दिखाता है। अभी जैसे 2-व्हीलर है तो उसमें छोटा इंजन होता है तो उसमें 1500 RPM तक रहता है। जैसे जैसे इंजन की ताकत बड़ी होती है वैसे वैसे आइडियल कंडीशन के RPM कम होते जाते हैं। अभी ये टेकोमीटर हमें ये भी बताता है कि हमें गियर कब चेंज करना है। डीजल गाड़ी में ज़्यादा करके 1500 से 1600 RPM पर गियर चेंज करते हैं। इससे गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी रहती है और माइलेज भी अच्छी मिलती है। और इससे ज़्यादा RPM पे अगर हम गियर चेंज करते हैं जैसे 2000-2500 RPM पर तो माइलेज कम मिलती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड पोर्शन है। अगर हम जो रेड पोर्शन है वहाँ तक लेके जाते हैं RPM को तो इससे गाड़ी के इंजन को नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो रेड जोन है वहाँ तक RPM ना ले जाए। दोस्तों, टेकोमीटर से हमें इंजन की हेल्थ भी पता चल सकती है। जब भी इंजन आइडल कंडीशन में होता है तभी उसका RPM स्टेबल होना चाहिए। जैसे अगर 1000 है तो 1000 पे ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो समझो इंजन में कुछ खराबी है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।